श्री दरबार साहब के काम काज किसी भी दखल की आग्या नहीं दिती, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कजाज हस्ती है और अपने आप में फैसले लैन के समर्थ है। अज डॉक्टर ईश्वर सिंह की जांच कमीशन की रिपोर्ट जी और जनतक कर दी गई है ता जो सिख संगत तक पूरी सच्चाई पहुँच सके। ये जांच रिपोर्ट एस जी पी सी के वैबसाइट पर भी पा दी जाएगी। इस नाल संबंधित किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई भी स्वरूप गुम जां गायब नहीं होया, यह कहना है एस जी पी सी के प्रधान भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल का। एस जी पी सी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग तो बाद भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने दसिया कि मीटिंग दौरान कई वड्डे फैसले लए गए ने। उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के गुम होए पावन स्वरूपों बारे जानकारी देंदिया दसिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई भी स्वरूप गुम जां गायब नहीं होया, पर संबंधित मुलाजमान के वलों जिहड़े स्वरूप संगत नूं दिते गए ने लालच दे विच आ के उन्हां स्वरूपां लई भेटा दी एंट्री नहीं कीती गई, पर संबंधित मुलाजमान दे वल्लों जिहड़े स्वरूप संगत नूं दिते गए ने मुलाजमान वल्लों लालच दे विच आ के उन्हां स्वरूपां लई भेटा दी एंट्री नहीं कीती गई। उन्हां कहा कि जिहड़े एस जी पी सी मुलाजम दोषी ने उन्हां ते एस जी पी सी एक्ट दे अधीन सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की मीटिंग की गई है और जिदे विच बहुत अहम फैसले जड़े ने वो ले गए ने। जिस तरह 28 सितंबर नूं जो बजट अजलास जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पिछले काफ़ी समय तो जिहड़ा असी पास नहीं कर सके, हर 3 महीनों के बाद खर्चे के जिहड़े असी पास करते सी वो सरकार तो मंजूरी लैके जिहड़ा असी बजट अजलास जिहड़ा 28 सितंबर नूं करांगे। इस तरह पिछले समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ कर्मचारियों वालों बेनिजमियां अते गैर जिम्मेवाराना ढंग नाल ड्यूटियां कीतियां गईयां, जिस कारण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं चिंताजनक हालतों का सामना करना पै रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों संबंधी रिकॉर्ड विच वाधे घाटे के कारण मंदभागी चर्चा जिहड़ी है वो चल रही है। मैं महसूस करता हाँ कि इस दे कारण समुचे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां दे मन नूं बड़ी भारी ठेस पहुँची है, जिस लई मैं जाती तौर पर निम्रता सहित समुचियां सिख संगतां तों खिमा दा जाचकां। मैं समूह सिख संगतां नूं विश्वास दिवाउंदा हाँ कि इस समय दौरान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधा दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप ना गायब होया, ना ही किसी तरह की कोई बेअदबी हुई है। केवल कुछ संबंधित कर्मचारियों वालों जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप संगतां नूं दे दित्ते जाते रहे वो लालच बस उसकी भेटा जमा नहीं कराई गई और उसनूं रिकॉर्ड विच दर्ज नहीं किया गया, सगों अपने निजी हितों लिए वरतते रहे, जिहदा जिक्र जांच कमीशन की रिपोर्ट विच भी सामने आया जो कि रिपोर्ट विच दर्ज है। मैं संगतां नूं विश्वास दिवाउंदा हाँ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिस उद्देश नूं मुख रख के होंद विच आई सी उस सोच दे पहरा दिंदिआं बेनिजमियां करन वाले कर्मचारियों नूं श्रोमणी कमेटी दे एक्ट अधीन अदारे विच रहिंदिआं पंथक परंपरावां ते रवायतां दे अनुकूल सख्त सजा देंगे और यकीनी बनावांगे कोई भी कर्मचारी अगे तो इहो जी जुरत ना कर सके कि अंतर कमेटी इस गल की धारनी है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहब के काम काज किसी भी दखल की आग्या नहीं दिती, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कजाज हस्ती है और अपने आप में फैसले लैन के समर्थ है। इस वर्तारे कारण खालसा पंथ नूं पीड़ां विच्चों गुजरना पै रहा है। असी इस पीड़ा नूं महसूस करते हुए बहुत सारे विद्वानां महापुरखां धार्मिक जथेबंदियां अते कमेटियां वल्लों दित्ते विचारां नूं अमल विच लिआउण दा पुरचोर
ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਔਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ SGPC ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।